आप देख रहे हैं एसटीवी लद्दाख, आवाज घर घर की। Thank you.
पिछले दो साल से आपके गांव से परकाचिक से कारगिल की तरफ एक मवेशी जो काफिला याद इमाम हुसैन के गम में जो करबला है ना पहुंच सके वो लोग यहां से परकाचिक से उस गम में परकाचिक से कारगिल पैदल चल रहे काफिले के रूप में उसको आप क्या कहते हैं, किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसे कि दुनिया भर में अरबईन हुसैनी एक इंटरनेशनल डे के तौर पर मनाया जा रहा है, उसी तरह आज दुनिया के दीगर जगहों की तरह कारगिल में भी, कारगिल जैसे दूरदराज इलाके में भी परकाचिक से लेकर कारगिल तक के 80-83 किलोमीटर की मुसाफत तय करके हमारे आजादारान हुसैन ने ये मुसाफत तय कर परकाचिक से पैदल आज मार्च शुरू कर दिया है और परकाचिक से मार्च तकरीबन 2 बजे से शुरू करके अभी टंगोर पहुँचे हैं। यहाँ पर लंच का इंतज़ाम किया हुआ है और इसके बाद यहाँ से पैदल चल के 23 रूम में आज का रात वहाँ रुकेंगे 23 रूम में। इसके बाद 30 रूम में उसी तरह होते हुए 3 या 4 दिन में कारगिल तक पहुँचेगा। आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले के साथ हम शामिल होना चाहते हैं। लब्बैक या हुसैन।
زینب اولیاء میں دکھ سکتے دعوے کندر اسکرینیو چکے
هستم دیم و اهل حرم کنی قیمتی چیشی هد یک وقت زینب علیه از بیر نمگوز بیانسان سنه